असलम फैसलाबाद में आज पीटीआई की कॉल थी और उनका कहना यह था कि हम मेन आर्टरीज ब्लॉक करेंगे एज ए जर्नलिस्ट मैं कभी शटर डाउन स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर सका ना जाने क्यों मुझे लगता है कि ये बड़ी ज़्यादती होती है हर उस शख्स के साथ जिसने शाम को अपने बच्चों के लिए दिन सारा मज़दूरी करके रोटी कमा के ले जा कर ले जानी है उस दिन उसके बच्चे क्या खा के सोएंगे कराची के अंदर भी जब एम क्यूम बहुत ज़्यादा बंद करती रही तो मैंने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये जो दिहाड़ीदार जितने बंदे हैं ना डेली वेजेस जिन्हें हम कहते हैं उस दिन उनके बच्चों की जो दाल रोटी है ना वो खतरे में पड़ जाती है जिस दिन इस तरह की सिचुएशन हो लेकिन आज पीटीआई वाले गोलमोल सी बात करते थे कहते थे कि हम मेन आर्टरीज ब्लॉक करेंगे किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे पहिया जाम भी अगर जिसने करना है या शटर डाउन करना है तो वो कर ले जो नहीं करेगा तो जोर जोर नहीं लगाएंगे लेकिन ये एट विल सारे लोग कारोबार बंद नहीं किया करते इसमें पार्टियाँ अपनी ताकत इस्तेमाल करती हैं लेकिन पीटीआई तो अपोजिशन कर रही थी एहतजाज कर रही थी रोड्स के ऊपर थी वो तो शायद चाहती कि ये सारा कुछ हो लेकिन नून लीग की सियासत आज मेरी समझ से बिल्कुल बालाता है नून लीग ने उसी जगह वर्कर्स इकट्ठे कर लिए जिस जगह पीटीआई वालों ने वर्कर्स जमा किए हुए थे और उसके बाद जो सिचुएशन ये है कि पीटीआई का एक वर्कर हक नवाज़ जो है वो गोली लगने से जाम हो चुका है उनके कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं पथराव भी जगह जगह हुआ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और सारा दिन फैसलाबाद में वो सीन बने जो शायद पीटीआई पूरा ज़ोर ख़ुद से लगाती ना अगर नून लीग इनकी मदद ना करती तो ये शायद इतने तगड़े होकर ना नज़र आपको आते नून लीग वालों ने पूरी इनकी मदद की उन्होंने हर वो सीन क्रिएट किया जो कैमरे में एक एहताज को एक स्टॉल को बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट कर सकता था नून लीग ने वो सारे काम किए दूसरी तरफ आज एन ए वन टवेंटी टू लाहौर में ट्रिब्यूनल जो था उसने वोटों की तस्दीक के हवाले से ऑर्डर पास कर दिया ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इमरान खान ने चार हल्कों का मुतालबा किया था हॉस्पिटल बेड से पहले दिन कि चार हलके आप कर दें तो बाकी चीज़ें मैं छोड़ दूँगा इंतबी नतज को चैलेंज नहीं करूँगा चार हलकों में अयाज सादिक का हल्का बाकी रह गया था बाकी तीन हलकों में ख्वाजा साद रफीक का हल्का वो पहले खुल चुका है उसकी तस्दीक का अमल जारी है हामिद ज़मान की तस्दीक का अमल जारी है जहांगीर तरीन की तस्दीक कामल जारी है और काफ़ी हद तक उसकी इब्तदी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं तो अयाज सादिक के हवाले से भी आज ऑर्डर पास हो गया तो चारों के चारों के ऑर्डर पास हो गए तो डेढ़ साल से नून लीक जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा प्रेशर बर्दाश्त कर रही थी अगर पहले दिन ही मान लेती तो शायद ये सीन ही ना क्रिएट होता तो इसलिए सियासतदानों की जब बसीरत का सवाल उठता है तो यहाँ नून लीग की बसीरत के हवाले से भी जरूर सवाल उठाया जाएगा बहरहाल दोनों सियासी जमातों को लोगों का सोच के सियासत करनी चाहिए आज का प्रोग्राम हम फोकस इसी पर करेंगे फैसलाबाद की सिचुएशन आगे आइंदा आने वाले दिन क्या बनेंगे क्योंकि एहतजाज फैसला से शुरू हुआ था इस वक्त लाहौर कराची इस्लाम पिंडी की सारी सड़कों के ऊपर हमें कोई पुर पुराम सिचुएशन नजर नहीं आती कहीं टायर बर्निंग है कहीं रोड ब्लॉक है इस्लाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्त होंगे डॉक्टर शेर मजारी पाकिस्तान तहरीक इन साफ़ से नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोनों को वेरी वार्म वेलकम जी लाहौर से सैयद सैद जयम हुसैैन कादरी साहब हमारे साथ होंगे कादरी साहब आपको भी वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में डॉक्टर शेर मजारी पहले आप फरमा दीजिए आपके एक वर्कर की आज डेथ भी हुई है प्रोटेस्ट और उसके जवाब में नून लिख करनाक वाक हुआ और आपने देखा किस तरीके से ओपनली वो आदमी अपनी बंदूक चलाता रहा और पुलिस तमाशा देखती रही और हमें खबर आई है एक और भी गालबन शहीद है लेकिन अभी डिटेल्स नहीं आई तो इस वास्तव ये वो इंसान मॉडल टाउन का रिपीट लग रहा था जिस तरीके से बंदूक चंदूक चल रही थी हमने कौन था बंदूक वाला जो हमें खबर टीवी से मिली है दो तीन चैनल से कि वो गालबन राना सनाउल्ला के सन लॉ का बॉडी था अब ये तो आगे पता चलेगा क्या इसके पीछे। उसकी पिक्चर बड़ी क्लियर है बहुत क्लियर है और मीडिया ने ही आइडेंटिफाई किया है उसको तो आगे जाके बात बनेगी चलेगी कि क्या हुआ है क्योंकि तशद तो प्लान था पीएमएलएन के आबिद शेर अली और राना सना ने प्लान किया हुआ था अगर आप अर्ली फुटेज देखें और खान साहब ने कल भी परसों भी माजरत की कि लोगों को इनकनवीनियंस होगा लेकिन हम किसी ट्रेडर को नहीं कह रहे कि दुकानें बंद करें हम मेन आर्टरीज सिर्फ बंद करेंगे और हमारे वर्कर्स घंटा घर गए सुबह आप फुटेज अगर देखें उस वक्त ना डंडे हाथ में थे ना कुछ दुकानें खुली हुई थी ना हमने कोशिश की बंद करने की क्योंकि हमने कहा था कि नहीं हम बंद करेंगे ये तो जब पीएमएलएन की डंडा फोर्स आई है और जिस तरीके से पुलिस ने उनको अकोमोडेट किया बड़ा अफसोसनाक यह है कि पंजाब पुलिस एक पीएमएलएन पार्टी की हुंडा फोर्स या जो मर्जी कह लें बन गई है और जिस तरीके से उन्होंने अकोमोडेट किया इंक्रेज किया ये दुकानें जो बंद हुई ये इनके खौफ से हुई हैं तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि <laughs> अजीब इनकी सियासत है कि जो वो पूरा शटर डाउन और एक तशद जो है वो उन्होंने खुद पहला दिया अच्छा एक बात मैं और कहूँगी देखे कई टीवीज़ पे आया कि जी ये तो गढ़ है नून की देखें ये पाकिस्तानियों का शहर है ये किसी की प्राइवेट जागीर नहीं है कि कोई और पार्टी आके वहाँ प्रोटेस्ट ही नहीं कर सके सारे पाकिस्तान के शहर

ये किसी जमहूरीत में किसी इंसानी अखलाकियात के तकाजों के मुताबिक यह किसी मौजूद सोसाइटी में ऐसे अमल की जा सकती जिस तरह आज फैसला बाद में हुआ लेकिन अलमिया ये है कि ये पुरानी आते हैं लोगों की या मीडिया का दौर है अब कैमरा पकड़ लेता है लोग पकड़ लेते हैं मजम्मत नून की कर रहे हैं मैं दोनों की मजम्मत दोनों की दोनों की करता हूँ दोनों की मजम्मत करता हूँ मैं आपके साथ ही मैं दोनों की मजम्मत करता हूँ और भरपूर तरीके से करता हूं। आपने बिल्कुल पहले कह दिया भाई आपने इस्तीफे का पहला दिन मुतालबा किया पहले तो आपने हर पोलिटिकल पार्टीज़ को गालियाँ देनी शुरू कर दी सारे पोलिटिकल पार्टीज के सारे लोग चोर नहीं होते आप हर पोलिटिकल पार्टीज को आप तनकी ताकि कोई आपके साथ ना खड़ा हो सब जमुरीत के साथ खड़ेंगे और, और इंडिविजुअली भी कोई भी पी टी आई के साथ नहीं खड़ा अपने जाति क्रज की वजह से भी अपनी जाति नफरत की वजह से भी और जिस तरह इनका बिहेवियर था हालांकि मुस्लिम लीग नून मैं समझता हूँ इस वक्त कोई मॉरलिटी नहीं है अखलाकियात नहीं है उनकी हुत में रहने की क्यों? जो कुछ हो रहा है क्यों? जो कुछ हो रहा है इतने बंदे इस तरह इस तरह घूमते तो नहीं होती नदीम भाई आप इस तरह घूमते कब कर लेंगे डंडों के जोर पे आपने जिस तरह आप चार हल्कों के पहले भी खुल गए आप पहले दिन ही ये मुतालबात मान जाते फिर जब मिया साहब इमरान खान साहब ने स्टेप डाउन किया इस्तीफे के मुताबिक से पीछे हटे तो गवर्नमेंट को उसी दिन उनके घर चले जाना चाहिए वैसे आसिफ जरदारी साहब को लोग बुरा भला कहते हैं जरदारी साहब ने जो खत लिखा था मियां साहब को और उस खत के अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि चार हलके खोल दें खोल दें तो पीपल्स पार्टी ने तो, तो पहले दिन कहा है कि आरोज का इलेक्शन है आप हमने तो जमूरियत के लिए ताकि कहीं अजीज हम बतनों फिर दोबारा ना हो जाए इस मुल्क में पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां जमहूरीत के लिए हमने तो उस रिजल्ट भी यह किया हालांकि मैं समझता हूँ इसके बावजूद हम समझते हैं लेकिन मैं एक मिनट मैडम अब बात यह है कि अब बिला आखिर आप उसी जगह पे पहुंच गए आज सियासतदान कहां खड़े हैं जब अब अब कोई थर्ड फोर्स आके मदाखलत करेगी लाशें गिरे लेकिन मैं समझता हूँ लाशें गिराने में ये इंतजाम करना ये पीटीआई ने भी इंतजाम किया और नून लीग ने तो हद कर दी है उनको चाहिए था इस से बचते अगर पीटीआई की तरफ जाती भी तो वो बचते उनकी जिसने गोली जलाई क्लियर कर दू चार हल्के जो आपने कहा है ना उसमें हामिद जमान का नहीं आता अच्छा। हामिद खान का आता है वो खुल गया जो सियाल वाला हल्का है वो अभी नहीं हुआ हामिद जमान ने तो खुद खुलवाया खुद खुलवाया अच्छा कादरी साहब जिसने गोली चलाई वो कौन था एक तो बात वाज तो कर दू के ख्वाजा आसिफ साहब के इसका फैसला हो चुका तीन बार इनके जो कैंडिडेट हैं वो दस दस हजार रुपये जुर्माना भी भुगत चुके शवाहिद ना पेश करने का और उसका फैसला भी हो चुका है और कोई आइन और कानून ये एडवांटेज गवर्नमेंट को नहीं देता कि वो एक हुक्म या एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ हल्के खोलने क्या ऑर्डर कर दे जहाँ तक आपने गोली चलाने की बात की है तो मैं ये समझता हूँ कि यह शख्स यकीन उसी ग्रोह का आदमी है जो पुरतद अंदाज में कल रात से जब कल रात वहाँ पर पी टी आई के कारकुनों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर उन आठ बाज़ारों को ये इंदिया दिया कि कल ये बंद होंगे वो बने हुए दूसरे दिन सुबह और ग्यारह बजे तक तमाम बाजार तमाम आठों बाजार तमाम सत्याना रोड तमाम सरमाम सरगोदा रोड ने जब इस कॉल को मुस्तरद कर दिया तो फिर वो लोग जो अनब हुए जो फ्रस्ट्रेट हुए उन्होंने गोलियां बंदूकें और डे लेकर उनको जबरदस्ती बंद कराना शुरू किया जिसकी फुटेज मौजूद है ये तो इस पर रिपोर्ट सबमिट की है कि इस शख्स की आइडेंटिटी है जी बिल्कुल रिपोर्ट रिपोर्ट भी सबमिट होगी और वो लोग जो कल जिनको नून लीग कहा जा रहा है भाई मेरे वो वो लोग हैं जो अपनी दुकानों तक रास्ता ढूंढ रहे थे कल रात से आज जब उनकी दुकानों तक उनकी वर्क प्लेस पर जाने के लिए उनको रोका गया तो उन्होंने तो रिटेलिएट किया आपको कहीं शवाहद नहीं मिले कि नून लीग की लीडरशिप में मौजूद है नून लीग के वर्कर्स में मौजूद है वो वो लोग हैं जो हजारों लाखों की तादाद में अपनी वर्क प्लेस पर जाते हैं तो गॉड सेक

मैं लाहौर कराची और तो उन्होंने अगर आप अपने इकोनॉमिक हब्स बंद करेंगे तो ये स्प्राइट पूरी हो गई ना

जी कोई पोस्टर ली थे कोई बड़े अगर हमने आम भी से, आपका वो सच तो आपका सच तो पूरा पाकिस्तान देखा है पिछले तीन महीने से जितना झूठ उस कंटेनर से बोला गया है वो अनप्रिसेड है बोला गया ये तो उस कंटेनर से बोला गया है टीवी में सारा जी हाँ तोबा तो नहीं अस्तक फरुल्ला पड़े अस्तक फरुल्ला पढ़े शायद शतान आपसे दूर हो जाए और आप झूठ बोलना बंद कर दे और जुर्म जो आपने किया आपने साबित किया है आपने साबित किया है कि आप इस मुल्क के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं पहले, से पहले, पहले, हुंडी के... मैं नहीं पहले पहले आप कहते हैं हुंडी के पहले आप, आप, है। तो आप कहते हैं हुडी के जरिए पैसे मंगवाओ दो इकोनॉमिक जा रहे तो आप बोल रहे बीच में तो फिर मैं भी यही करूंगा अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी यही ताकि चंद साहब कुछ बोल लेकिन आप बंदी नहीं रहे झूठ बोलना जी चंद और जब आप और चंद जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला नहीं कार्य साहब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपके दरमियान मेरे सिर्फ से तीन सवाल आते हैं जब एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आपने यही हंगामे करवाए थे फैसलाबाद में और गोजरा वाला में आपकी पार्टी ने सुबाई ने लीड किया था उस वक्त पीपल्स पार्टी ने किस तरह सबर कहम था हालांकि हम भी अपने बरकत निकाल सकते थे आपने ऊपर हमला किया आपने गैपको के ऊपर भी हमला किया और आज भी फोटेज वो निकाल ले इसी तरह इससे भी ज्यादा मोब था क्योंकि पुलिस की सरबराही में और आज की जो हमारी पॉलिस है वो यकीन जानिए वो बिल्कुल मैं समझता हूँ इनके वर्कर बने हुए सिपाहियों का क्या कसूर है बेचारों का ये तो 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 एक सवाल हो गया दूसरा सवाल दूसरा अब मैं समझता हूं कि अभी भी गवर्नमेंट का काम है मैं समझता हूं अभी भी इतनी शहादतों के बावजूद इतनी हलाकतों के बावजूद अभी भी गवर्नमेंट को खुदा के लिए इस जमूरीत को इस मुल्क को इस आवाम को अब और

ना खान साहब अगर दरवाजे बंद करेंगे तो वो भी गलत करें हट दर्मी करेंगे तो फिर कहता हूँ और ये सोचना चाहिए तो छोटे की ज्यादा उसकी लीडरशिप होती थी ये पंजाब है और जी रोड की लड़ाई है अब इस्टेब्लिशमेंट हो और दूसरा मेरा सवाल उस जुडिशरी से भी है कि जुडिशरी किस चीज का इंतजार कर रही है क्या करें हाथ बांध क्या करें क्यों नहीं जब छोटी-छोटी चीजों पे आप सुओ मोटो ले सकते हैं तो आप कितनी अलाक्तें करवाएंगे कितने लोगों को और मरवाएंगे खुदा राज को इंटरवीन करना चाहिए सुओ मोटो मैं समझता हूं जुडिशरी को इसमें مداخلत करनी चाहिए सुओ मोटो होना चाहिए जिस तरह भी करें सुओ मोटो पे करें या कोई खैरुल आखिर जिस तरह पहले अपनी अपने आ जाती थी कोई उस तरह की कोई नहीं करवा ले। सही। वैसे इसका एक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कोर्ट को हिम्मत दिखानी पड़ेगी कोर्ट ये गालियां निकालते हैं बिल्कुल नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे हमें नहीं कंसल्ट किया गया नाम बताया गया हमने कहा हम उनकी इज्जत करते हैं हमने कुछ नहीं कहा अभी जो एलेक्ष्ट आपने किया आपको भी अच्छा भला पता है यू वर इन टच लॉट ऑफ द सीनियर मीडिया के हमने डायलॉग हमने नहीं तोड़ा आपको भी पता है किस हद तक अग्रीमेंट हो गई मसला यह है कि पीएमएल एन का रवैया ये है कि अगर उनपे प्रेशर ना हो तो वो समझते हैं कि अब कोई गुफ्तगु करने की जरूरत नहीं है हमने दरवाजे नहीं बंद किए गुफ्तु के बिल्कुल वैसे आप दोनों सियासी जमातों को कुछ लेसन लर्न करने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी दिमौ, चलती रहे नहीं तो जो एक्शन आज हुआ है दो तो दिन और, और हुआ हम तीन महीने सौ दिन से ज्यादा बैठे हुए हैं डी चौक पे कोई तशद नहीं हमने किया कुछ नहीं किया पीसफुल हम रहे हैं हमारे इतने बड़े बड़े जलसे हुए हैं टोटली पीसफुल हुए हैं तशद आज पी एम एल एन के ग और जो रवैया फैसलाबाद के का था ये गवर्नमेंट या स्टेट के नहीं है ये तो प्राइवेटाइज हो गई है पंजाब की पुलिस देखे जे यू आई ने जब प्रोटेस्ट किया पिशावर में हमारे चीफ मिनिस्टर आ रहे थे इस्लामाबाद और क्या उन्होंने बीच में पुलिस इस्तेमाल की वो डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से आए ये जमहरी रवैया ब्रेक ले लें ब्रेक से वापसी पे से स्टार्ट करेंगे और उनसे जवाब लेंगे कि अमली क्या है हमारे साथ रहिए

जयीम कादरी साहब तीन सवाल हैं गुफ्तु वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं जहाँ ख़त्म हुई थी वापडा ऑफिस के ऊपर इन्होंने कहा चंद साहब ने कहा ने क्या आप लोग अटैक करते रहे फिर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉसिबिलिटी वो कहाँ गई टॉक्स आप लोग इनिशिएट करनी चाहिए थी आपने क्यों नहीं की और थर्ड ये उन्होंने जुडिशरी से सवाल किया वो आपसे नहीं है दो सवाल आपसे मुताल है उनका जवाब दे दीजिए वाबडा ऑफिस जी जी मैं एक तो इन्होंने फ़रमाया कि हम करवाते थे तो गालिबा इल्ज़ाम जो हैं वो उसकी जो जो बीमारी है वो वायरल है और शायद चंद साहब को यह वायरल बीमारी अभी भी मेरे ख्याल में कनेक्ट हुई है और इन्होंने भी इल्ज़ाम लगा कर उनके सबूत पेश नहीं किए जहाँ भी वो एहताज हुआ हमने सख्ती से उसको निपटा बल्कि हमारे ज़माने में भी पिछले पाँच डेढ़ साल में दो तीन जगह लोड शेडिंग पे बड़े शदीद एहतजाज हुए तो काश मैं ये कह सकता कि वो अपना चंद साहब या किसी और की पार्टी कर रही है इस तरह नहीं होता होता ये नहीं है

किसने से पुटाज किया किसने बारहा पहली बात कि जब कमीशन के बारे में कहा गया और खत लिखा गया और इमरान खान साहब के तमाम इल्जाम जो लगाए गए हैं उनकी तहकीक की अर्जदाश्त सुप्रीम कोर्ट को पीछ पेश की गई तो यह किसने कहा कि अब बात इससे आगे चली गई है और फिर किसने कहा कि शाह महमूद तुम जितने मर्जी मैं अपने इन बयान से नहीं बदलूंगा और फिर किसने कहा कि साढ़े पांच बातें मा... मान ली गई हैं और फिर कहा नहीं मानी गई का कहा कहा मान तो जो हाँ। हैं आपने मानी हैं उस पे कर दें। वो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दे उनके कहने पे मेरे भाई उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है एक सड़क दूर है रोज आप शाम को तकरीर फरमाते हैं आप पार्लियामेंट में आ जाए सारी जमातों को बोर्ड लें और उनसे बैठकर कर, करके किस तरह पाकिस्तान पौँँ, के की है अगर उस कमेटी में हम आपके लिए ऑर्डिनेंस भी दे देंगे लेकिन उस ऑर्डिनेंस के बाद आपको उन तमाम लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनको आप कंटेनर से रोज गालियां देते हैं जिनको आप चोर डाकू और लुटेरा कहते हैं जिनको आप खबरें देने वाला बंदा ना तो इनसे पूछते हैं क्या आपको कहा गया था कि लोगों के पास जाना शुक्र है की हमने आप लोगों को उस वक्त भी इन कॉन्फिडेंस लिया था और आपको ब्रीफिंग्स भी दी थी लेकिन जो इन्होंने कहा कि आपको कहा गया था आपको जाना पड़ेगा बाकी पार्टी के पास कहा गया था इन्होंने कहा कि हम कंसेंसस लेके आए और आपसे मुजाक करें इसमें सारी पोलिटिकल <coughs> पार्टीज का कंसेंसस कहा, कहा आपको हमने दिखाई डॉक्यूमेंट्स जिसमें ऑर्डिनेंस पे भी एग्रीमेंट हो गई एस जी एसआईटी तो आपको और आपको हमने उस दिन वो खत भी दिखाया है तेरह अगस्त वाला और आपने को आपके एक लॉयर ने भी आपको समझाया कि क्योंकि जिस तरीके से ये खत लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट इसका स कर ही नहीं सकती थी हमारी कंसेशन थी बाकी इट वॉज रेपिंग अपने आपको वो है, आप चाहते हैं अमल दरामद हो नहीं हम तो हमने तो रास्ता नहीं बंद किया यही टॉक से भाग गए डार साहब मैं आपको बता रही हूँ ना डार साहब ने, ने आखिरी जो वर्ड्स थे This वो हमारी कमेटी को कहा इट इज नॉट अ लाय आई कैन स्वेयर इट ऑन ऑल उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर से ये आप बताऊंगा कि ये आपकी रेड लाइंस हैं और ये हमारी जो हमने आपको बता दी डार साहब ने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर को जाके बताऊंगा एंड आई विल गेट बैक टू यू वो दिन और आज का दिन फॉर्मली दे हैव नॉट गॉटन बैक टू अस

बहुत सारे ताकतवर जो कुवतें होती हैं जो ताकतवर तबके होते हैं जिसमें बड़े ताकतवर इदारे होते हैं अगर उनको ख़रीद कर और खरीद कर खरीद कर ताकतवर शख्सियात को ख़रीद कर तो आप हालात सुधार सकते हैं ये उनका पुराना तजर्बा है वह लेकिन उस वक़्त एक मज़लूम अकेली पीपल्स पार्टी होती थी और पीपल्स पार्टी के साथ अल्लाह वास्ते का कुछ इदारों का कुछ कुतों का कुछ शख्सियात का वैर होता था आज आज हालात बड़े हैं। वो तमाम दारे जिनका बैर था थे क्योंकि जब आप मुशरफ का ट्रायल करेंगे जब आप इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे जब आप उनकी तोहिन करेंगे जब आप तो फिर लेकिन आज भी मैं समझता हूँ जुडिशरी का मदाखलत ना करना

शहबाज शरीफ साहब रिजाइन करते उन्होंने कहा था कि अगर जुडिशल कमीशन मेरे खिलाफ फैसला देगा तो मैं लेकिन जब उन्होंने रिजाइन भी नहीं किया फिर जब पी टी आई के पैट के साथ उनका डील हो गई जो भी कादरी साहब वापस चले गए तो उन्होंने समझा अब हम मजबूत हो गए अब हम रौंद डालेंगे मजबूत क्यों तो हुए मजबूत इसलिए हुए पोलिटिकल फोर्सेज उनके साथ खड़ी थी जमहूरियत के लिए लेकिन उन्होंने आपका नजायज फायदा उठा रहे हैं कि पोलिटिकल फोर्सेज हमारे साथ जमहूरियत के खिलाफ हालांकि पीपल्स पार्टी भी आवाम से गालियां ले रही है हम जमहूरीत की खातर गालियां ले रहे हैं पॉपुलर डिसीजन यह था कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते लेकिन हमने जमहूरियत के लिए तारीख में अपने आप को जिंदा रखने के लिए यह हम मुश्किल फैसला पीपल्स पार्टी ने किया कि नवाज शरीफ को सपोर्ट की रिजल्ट में उसका इस्तीफा लेकिन नू लीग ने उसका नजायज फायदा उठाया नू लीगल ने उसका नजायज फायदा उठाया और जब कादरी साहब चले गए तो उन्होंने कहा धरना खत्म हो गया अब डायलॉग के ऊपर वो सीरियस नहीं रहे और उन्होंने कहा कुछ दिन सियासत करते हैं पीटीआई को लेते हैं ठीक ठाक जिस तरह इन्होंने चंद रखे हुए हैं मुशर्रफ की बात याद की बाकी

ले आप आप तो <laughs> ये, ये भी भी के मिया साहब ने जब वफाक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उस वक्त जो लोग तकरीरें सेम वही इमरान खान के कंटेनर पेम्पल आपकी विमेन विंग की लुबना मलिक है हमारे साथ आज सारा दिन सोशल मीडिया दिखा रहे हमारा इशू बड़ा सिंपल है

नहीं इंसाफ मिला सड़कों पे निकले तो कुछ पहले इन्होंने गवर्नमेंट ने, ने कहा चलो लेकिन इन्होंने खुद भाग गए अच्छा लुबना लुबना बीबी से बात कर ले लुबना मलिक साहब असल वाले आज हमारे कैमरे भी आपको दिखा आपको दिखाते रहे और सोशल मीडिया पे भी आपकी तस्वीरें आती रही आपके हाथ में एक वो छड़ी पकड़ी हुई थी और सामने काफी तादाद में बड़ी तादाद में वो नून लीग के वर्कर एक फोटो में दिखाई देते हैं वो हुआ क्या था थोड़ा सा आपकी जुबानी सुन लें आ, वो हुआ ये था कि जब हम लोग घंटाघर चौक में पहुँचे हैं तो वहाँ पर मीडिया ने एक्सप्रेस न्यूज वालों ने और कुछ और चैनल वालों ने मुझसे बात करने की कोशिश की और मेरे तासरात लेने के लिए तो जिस वक्त हम लोग गाड़ी से बाहर निकले हैं तो उस वक्त नून लीक के जो हवारी थे उन्होंने हमें घेरने की कोशिश की और बदतमीजी करने की कोशिश की और उनके हाथ में डंडे थे और उन्होंने कोशिश की कि वो मुझे और हमारी बाकी खातिन को जो है वो जगो कोप कर सकें या उनको गालम गलोच करना चाह उन्होंने तो उस वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए मेरे हाथ में भी एक डंडा आ गया जो फिर मैंने अपने दिफा में इस्तेमाल किया और देखिए अगर ये डंडे से पिटाई भी की, दो चार लोगों की जी मैंने की? बिल्कुल की क्योंकि मैं वहाँ पे पिटने नहीं थी अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे बीबीसी की एक कॉरेस्पॉडेंट है एतजाज़ तो मैंने ये सबसे पहले उनकी वो ट्वीट थी वो पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो पीटीआई की खुवात है तो उनको नून लीग के वर्कर्स ने धक्कम पेल किया तो किया तो बड़ा खैर वो एक बुरी चीज़ थी अच्छा तासर उसे नहीं गया लेकिन उस शख्स का कुछ पता चला क्योंकि आप ऑन लोकेशन है जिसने फायर किया था कि वो कौन है और किससे उसका ताल्लुक है कुछ अता पता उसके हवाले से दे सकते देखें जी उसका सबको पता है और वो फुटेजेस आप लोग भी दिखाते रहे हैं सभी अपने चैनल्स पे कि वो राना सनाउल्ला के दामाद का गार्ड था और जिसको अरेस्ट भी कर लिया गया लेकिन फिर एक फोन कॉल पर छोड़ दिया गया देखिए मैं नहायत अफसोस से ये कहना चाहूंगी कि नवाज लीग ने इस हुकूमत ने अपनी सबका गलतियों से कुछ नहीं सीखा वो सानिया मॉडल टाउन को आज यहाँ दोहराना चाहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो नहीं हो सका जो वो करना चाहते थे लेकिन हमारे कुछ नौजवान जो है वो फिर भी शहीद हुए हैं हम शेग की, की और उनकी गुदब नबी भी, भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहीं के पास दोबारा चलते हैं कादरी साहब मामला को संभाल लीजिए चाहते हम कि ये निज़ाम जो है बड़ी कोशिशों के बाद नौ दस साल बाद जनरल परवेज शरफ से पाकिस्तान की जान छूटी थी आप सब लोग हम सब लोग यहाँ बैठ के यही कहते थे कि डेमोक्रेसी आएगी तो पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो जाएगा उस सब कुछ अच्छा होने की बजाय डेढ़ साल हो गया हम उस लड़ाई से ही आगे नहीं जा सकते देखिये शायद दुख यही है और वो लोग जो पोलिंग एजेंट थे जनरल परवेज मुशरफ के उसी दुख का अजाला करने के लिए आज ये सब कुछ कर रहे हैं जब आप कॉल देते हैं कि हम बंद कर देंगे सर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब्स और इस मुल्क की इकोनॉमिक नहीं जो लोग जो लोग पोलिंग एजेंट थे उनके बारे में तो कीजिए ना बात जो हमारे साथ है मैं उनको ना तो डिफेंड करूंगा मैं 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 कैटेगोरिकली कैटेगोरिकली कहता वो गलत है लेकिन वो लोग नहीं, नहीं था इसका जवाब मैं नहीं, दूंगा, भी मैं मैं नहीं था जवाब दूंगा तीसरी बात अगर एक पोलिटिकल पार्टी ये कहती है की वो शहर को बंद कर देती है तो ये है उस पॉलिसी को अगर आप कन्वे करेंगे अक्रॉस द बोर्ड और जो गुफ्तगु आप कर रहे हैं जो आपके अपने वर्कर्स को सिखाया है पिछले तीन माह में कि गिरेबान से पकड़ के निकाल लो अब मेरे लोग पीटी वी पर पहुँच गए हैं अब मेरे लोग इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पहुँच गए हैं अब हमारे लोग वहाँ पहुँच गए हैं नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दो ये कौन कह रहा था ये सब कुछ आपके कैमरे में महफूज था कभी यादश के लिए दोबारा दिखा दीजिए अर्ज यह है कि आपका एटीट्यूड पहले दिन से पुरतद है

वर्कर्स के ऊपर पंजाब पुलिस ने अटैक किया था लाहौर में जिसमें चौदह लोग मारे गए थे और एटी सेवन को बुलेट इंजरीज आई थी वो डॉक्टर तारुल कादरी अब पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं धरना भी खत्म कर चुके हैं लेकिन आपका कसूर अभी भी बाकी है शुरुआत आपने की थी एक ब्रेक ले लें ब्रेक से वापस तो यहाँ से दोबारा गुफ्तू शुरू करेंगे हमारे साथ डॉक्टर अब अंजाम कैसे होंगे नतीजा कैसे निकलेगा देखिए नदीम पहली बात मैं बता दूं कि ये जो बार बार वो लाहौर में हमारे जो पी एम एल एन के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं वो बार बार कह रहे कि जी ये लॉकडाउन या शटर डाउन या जो भी कह लें ये फैशिज्म है तो भाई साहब 2005 में इन्होंने एम एम ए के साथ कॉल दी, दी पूरी पिया जाम की फिर इन्होंने सिंध की नेशनलिस्ट पार्टी के साथ पैया जाम को सपोर्ट किया फिर तो इन्होंने तीन दफा तो इन्होंने कॉल दी मत मेरी बात तो सुनी ये या तो ये अपनी हिस्ट्री पढ़ ले मैं इनको डेट्स भी भेज दूंगी इट्स ऑल रिकॉर्डेड इन द मीडिया रिकॉर्ड है तो, तो मतलब है अब पीटीआई ने क्योंकि कॉल दी तो फैशिज्म होगी फैशिज्म तो स्टेट करता है स्टेट ने फैशिज्म आज नहीं की जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा सानिया है मॉडल टाउन में किसने फैशिज्म की प्रॉब्लम यह है कि पीएमएलएन की पैदाइश एक डिक्टेटर्स ने मतलब औरजन देखे ना शरीफ की डिक्टेटर ने बनाया इन पर जमूरियत है ही नहीं हम पीपीपी को बुरा भला कहें जो कहें इनकी एक जमहूरी ट्रडिशन है बाकी जो हमारे अख्तलाफा हैं हम एक दूसरे पर चार्जेस लगाएँ कुछ लेकिन

अब अब तमाम मजहबी कोवतें पी टी आई के साथ जा रही हैं इस मुल्क में आप क्या कौन सी खाना जंगी करवाना चाहते हैं किस तरफ आप लेके जा रहे हैं खुदा के लिए अब मैं समझता हूँ इसके ऊपर पोलिटिकल क्लास का आप थोड़े दिन है थोड़े दिन है दिन थोड़े हैं पेपर लंबा है मसायल इनको हल करने पड़ेंगे और अदरवाइज हालात बहुत बुरे होंगे और फिर जो इदारे खामोश बैठे हैं ना जो कहते हैं कि पता नहीं डरते हैं जिनको अपनी दीवारों पर कपड़े तो लटके हुए नजर आ जाते हैं उनको ये लाशें नज़र नहीं आ रही

साथ साथ। वो कौम के सामने रखिए पार्लियामेंट में ले जाइए उसकी इंडोर्समेंट दीजिए और उसको फॉर्मोलाइज करके मामला खत्म कर दीजिए यही वो तरीका कार है यही वो तरीकाकार है जिसके लिए हम इनकी मिन्नते कर रहे हैं पिछले तीन माह

फौज ना करते उन ताकि जालिमों के खिलाफ जो इस मुल्क के लोगों को कत्ल कर रहे हैं और उस मुल्क की मीशत को और मुल्क को जिन्होंने फंदे में डाला हुआ है यही वो वजह है कि रिलीज लोग जो हैं वो देख रहे हैं आज इमरान खान की तरफ इनका यही एटीट्यूड है और ये आज वही को नाकाम करने की साजिश है कि इस मुल्क दिखे दिखे में फैले लड़ाई झगड़ा हो और वो जरबेज अपने मदद की अंजाम तक ना पहुंच सके जिसकी मुखालफत जिसकी मुखालफतर से खड़े होकर इमरान खान साहब रोज करते हैं इमरान खान साहब रोज खड़े होकर उसकी करते हैं कहते हैं क्या हैं तो ये आपने बात तो है आप को रहे। भी शुरू नहीं किया वो अल्लाह भला करे आर्मी चीफ का जिन्होंने शुरू करवा दिया आपने भी शुरू नहीं किया और जिस तरह दहशत गर्दी के ऊपर आपका लाइक माइंडेड पीटीआई का और नून लीग का मुखमुक्का है खुदा के लिए इस पंजाब को भी कम अज़ कम आप सुकून आपकूल डॉक्टर शीनी मजारी साहब और जयम हुसैन कादरी साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे आज के लिए इतना इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़